दोस्तों आज हम बात करेंगे उन पांच फिल्मों के बारे में जो शाहरुख खान ने करने से मना कर दी और वो फिल्में बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जैसे कि मुन्ना भाई MBBS, इसमें पहले शाहरुख खान का नाम आया था लेकिन शाहरुख खान का हेल्थ सही ना होने की वजह से इस मूवी को संजय दत्त ने किया और ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आमिर खान की लगान को भला कौन भूल सकता है। इस मूवी ने तो बहुत ज्यादा कमाई भी की थी और न जाने कितने पुरस्कार भी जीते थे। लेकिन पहले इसमें शाहरुख खान का नाम आया था लेकिन उनके पास शेड्यूल ना होने की वजह से इस मूवी को आमिर खान ने किया। सलमान खान की एक था टाइगर, इस मूवी में पहले शाहरुख खान का नाम आया था लेकिन इसे शाहरुख खान ने करने से साफ मना कर दिया। फिर क्या था, सलमान खान आए और मूवी को ब्लॉकबस्टर साबित कर दिया। इसके बाद आती है ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है। इस मूवी में पहले शाहरुख खान को लेने का विचार किया गया था लेकिन शाहरुख खान ने इसे करने से मना कर दिया और फिर ऋतिक रोशन ने इस मूवी से डेब्यू किया और उनकी पहली मूवी ही हिट साबित हुई। रोबोट मूवी में पहले शाहरुख खान को लिया गया था लेकिन शाहरुख खान का निर्देशक शंकर के साथ कुछ मतभेद होने के कारण इस मूवी में रजनीकांत को लिया गया और यह मूवी बाद में हिट साबित हुई।